कुछ नया देखने का मन था कि नया स्टॉक दिखाओ भैया के पास आया हूँ मैं, तो भैया प्लीज बताएं। हेलो पीपल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आदि अजय और आप देख रहे हैं देसी बॉय के व्लॉग्स। और जो जो सुमित को नहीं जानते तो फाइनली बता देता हूँ, सुमित मेरे ही चैनल का पार्ट है, टीम है मेरी पूरी। सुमित बहुत टाइम से आ नहीं पा रहा था व्लॉग्स में, तो सुमित आज हम क्या दिखाने वाले हैं सबको? हाँ, तो गाइस आज हम लोग आए हैं फुल थ्रॉटल, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर। और आज हम लोग बाइक के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपके वो एक से एक बाइक के बारे में बताएंगे। और ये शोरूम जो था पहले वो करोल बाग में था, कहीं और साइड था पहले खुला हुआ, अब न्यू जगह ओपन हुआ है और काफ़ी अच्छा खुल चुका है इस टाइम पर, बहुत बड़ा बना चुका है इन्होंने। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हायाबुसा के साथ, जो देख सकते हैं वाइट कलर की है, बहुत प्यारी है, जिसे रानी का नाम दिया जाता है, आप देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सुमित ने जैसा कि बताया कि शॉप पहले बहुत अंदर थी, लेकिन अब ये नई शॉप खोली है थोड़ी सी, बिल्कुल कट पे ही, हनुमान चौक से जब आप आते हो वहाँ से आते ही फर्स्ट लेफ्ट जो कट पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे आओगे, बिल्कुल सामने आपको ये शोरूम दिखेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले स्टॉक दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टॉक है एग्जैक्टली, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं भैया के साथ कि क्या प्राइजेज हैं इनके और क्या नहीं है, तो कितने की आपको ये बाइक पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आओ। Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. फाइनली सैम भैया हमारे साथ आ गए हैं, टाइम निकाल लिया भैया, थैंक यू सो मच। और भैया अपना थोड़ा सा शोरूम के बारे में, अपनी बाइक्स के बारे में, स्टॉक के बारे में मेरी ऑडियंस को बताओ। कुछ नया देखने का मन था कि नया स्टॉक दिखाओ भैया के पास आया हूँ मैं, तो भैया प्लीज बताएं। तो गाइज आज आप आए हैं फुल थ्रॉटल पे, जो करोल बाग में हमने आपके लिए नया शोरूम खोला है। और आइए मैं आपको अपना सारा स्टॉक दिखाता हूँ। ब्लू हायाबुसा 2015 का मॉडल है ये बाइक, बाइक का कलर देखिए कितना सुंदर है, और दिल्ली का रजिस्टर्ड है ये बाइक भी। और ये बाइक के अंदर आफ्टर मार्केट हम देख रहे हैं, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, साइडर लगे हुए हैं, इंजन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, सीट काउल भी जो कंपनी के साथ आता है वो भी अभी इसमें फिटेड है, सेकंड की भी अवेलेबल है, बहुत ही मिड कंडीशन बाइक है ये। और 9000 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है, हमने इसका प्राइस रखा हुआ है 11 लाख रुपीज़ की आपको ये पड़ जाएगी गाइज। और आई होप आपने इसके साउंड भी सुनी होगी, कितनी प्यारी साउंड है जो भैया ने स्टार्ट करके दिखाई थी। तो भैया अगली उस पर चलते हैं। तो गाइस ये बहुत ही यूनिक कलर आया था, आपने देखा था मार्केट के अंदर जब ये लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर, एंड यस इट्स 2018 मॉडल और फोर्थ मंथ ओल्ड बाइक है सिर्फ ये। और इस बाइक की एसेसरीज के बारे में आपको बताऊंगा, ये SC प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट इसके अंदर जो लगे हुए हैं ये 1,40,000 रुपीज़ के एग्जॉस्ट हैं विद बिल, एंड इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर स्लाइडर्स भी लगे हुए हैं, इंजन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, टैंक पैड भी लगा हुआ है, और 4,000 किलोमीटर चली हुई बाइक है, सिर्फ 4,000 किलोमीटर।
एंड इस बाइक का प्राइस आप ऑन रोड प्राइस अगर आप देखेंगे विद एसेसरी 17 लाख रुपीज़ क्रॉस करता है, और हमने इसका 14 लाख रुपीज़ प्राइस रखा है, और जो भी आएगा देसी बॉयज के थ्रू हम उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। 14 लाख रुपीज़ गाइस, देख सकते हो भूसा, 1.5 लाख के एसी के साइलेंसर्स लगे हैं इसमें, हो रहा है फुली अपग्रेड बाइक है, और चलाने के बाद तो अलग ही मतलब फील होगी, मैं बता नहीं सकता। ये कावासाकी का ZX14R मॉडल है गाइस, एंड ये आप देख रहे हैं कि कितना ही स्मार्ट कलर है इसका, क्योंकि एक ग्रीन एक इनका बिल्कुल। और सेकंड इस चीज के अंदर हम आपको दिखा देते हैं, एक स्लाइडर्स लगे हुए हैं और TBR के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। ओके। और एक बबल स्क्रीन लगी हुई है, टैंक पैड लगा हुआ है, फर्स्ट ऑनर बाइक है ये भी, एंड दिल्ली का मॉडल है इस बाइक का भी, और इस बाइक का प्राइस जो हमने रखा हुआ है 11 लाख रुपीज रखा हुआ है, विद सर्विस रिकॉर्ड बाइक है, टायर्स भी इसके ऑलमोस्ट न्यू है, तो जब भी आए। तो भैया कितने एक सीसी की है ये बाइक वैसे? ये ZX14R मतलब कि इट्स 1400 सीसी, मतलब 1400 सीसी, 1400 सीसी की बाइक, 100 सीसी ऊपर, 100 सीसी ऊपर होती है ये बाइक, तो काफी अच्छी बाइक है यार गाइज। जब भी आप आओगे तो यहाँ पे डील क्रैक कर सकते हो, अच्छा डील आपको मिल जाएगा भैया के थ्रू, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट भैया के थ्रू कवर कर देते हैं कौन कौन सी बाइक कितने कितने प्राइस की है। तो भैया प्लीज मेरे को सारी बाइकों के रेट आप एक एक बारी में बता दें। में दो हार्ले खड़ी है मेरे सामने, तीन हार्ले आई थिंक, तीन हार्ले खड़ी है, तीन हार्ले है, और एक हमारी है CBR, और उसके बाद फिर एक पीछे है भूसा, फिर एक है Z900, और उसके साथ में ठीक है। हार्ले का स्ट्रीट 750 मॉडल है, एंड 2016 का ये मॉडल है, इसके अलावा हमारे पास हार्ले के 14, 15, 17 सारे मॉडल अवेलेबल है स्ट्रीट 750 के अंदर। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, 2016 फर्स्ट ऑनर 5500 किलोमीटर चली हुई बाइक है ये, इसके अंदर एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और दिल्ली का रजिस्ट्रेशन बाइक है, ये भी फर्स्ट ऑनर बाइक है। ओके। इसका हमने प्राइस आस्किंग रखा हुआ 3,40,000, 3,40,000 की पड़ेगी गाइस ये वाली बाइक आपको, बीच में जो आप देख रहे हो जैसा कि भैया ने बताया। और भैया आप आ जाते हैं दूसरी वाली बाइक पे, ये कौन सी वाली हार्ले? ये हार्ले का 48 मॉडल है, एंड 1200 सीसी ये मॉडल होता है हार्ले का, एंड इस बाइक के अंदर मैं आपको बता दूं क्या स्पेशलिटी है। इस बाइक के अंदर आपको 5 लाख रुपीज की एसेसरीज इस बाइक में लगी हुई है, 5 लाख रुपए की। यस गाइस, एक एक करके मैं आपको सारी एसेसरीज इसकी बताऊंगा, पहले मैं इसको आपको इसका मॉडल बता दूं, 2016 का मॉडल है ये, न्यू मॉडल है विद अलॉय व्हील्स वाला, एंड इसके अंदर स्टार्ट करता हूं यहां से, जो आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा एयर फिल्टर नजर आ रहा है आपको, ये हैवी ब्रीदर जो है अप्रॉक्स मार्केट में 65,000 का है, जो हार्ले से ही लगा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर आफ्टर मार्केट सीट लगी हुई है, आफ्टर मार्केट सीट के बाद इसके फुटर्स लगे हुए हैं, और सबसे एक्सपेंसिव इसका आप एग्जॉस्ट देख रहे होंगे, वैनसनाइज का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, एंड आफ्टर मार्केट इसके अंदर ये आप देख रहे होंगे मीटर लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट ही इसके अंदर ये हेडलाइट लगी हुई है, ठीक है। आप देखेंगे किसी भी हार्ले के अंदर कोई ऑयल कूलर नहीं लगाता इतनी इजीली उसको कूल रखने के लिए, इसके अंदर इसका ऑयल कूलर लगा हुआ है, लेग गार्ड लगा हुआ है, एंड इसके अंदर हॉर्न भी आफ्टर मार्केट ही लगा हुआ है, और देखेंगे तो फुल ऑफ मतलब उसके अलावा भी मैं शायद कुछ मिस कर जाऊंगा इस बाइक के अंदर एसेसरीज के अंदर, मतलब इतना सारा इसके अंदर होता है, और ये सारा पार्ट्स गारंटी विद हार्ले के शोरूम से ही लगा हुआ है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं कि किसी से कहीं और लेके लगाया हो, विद बिल आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसका आस्किंग प्राइस क्या रहेगा? हमने इसका आस्किंग प्राइस लिखा हुआ 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस गाइस, जिसमें एसेसरीज 5 लाख रुपए की ऑलरेडी आपको एडिशनल मिल रही है, तो देख सकते हो कितने की पड़ जाएगी बाइक, इतने की बाइक नहीं जितने की इसमें एसेसरीज डल चुकी है, तो शॉक बहुत बड़ी चीज है कहते हैं। तो भैया इस बीच वाली का हो गया, उससे आगे जो हार्ले हमारी, वो हार्ले का स्पीड रॉड मॉडल है, और इस बाइक के अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वैनसनाइज का एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है, एंड 2017 का ये मॉडल है, HR26 रजिस्टर्ड है ये बाइक, ठीक है, एंड किलोमीटर इसके ओनली 3200 किलोमीटर चली हुई है ये बाइक विद सर्विस रिकॉर्ड, ओनली 3200, और बाइक का प्राइस हमने रखा हुआ है 5,50,000 जो 5,50,000 फर्स्ट ऑनर। तो CBR ये 2013 का CBR फायरब्लेड है, और आप देख रहे हैं ये HRC एडिशन है हमारे पास, इसके अंदर स्लाइडर्स लगे हुए हैं, बबल स्क्रीन लगी हुई है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, टायर नए हैं, जीरो डेपेंस इंश्योरेंस हुआ हुआ है इस बाइक का, और फर्स्ट ऑनर बाइक है ये, सीट काउल, टैंक पैड, फुली लोडेड बाइक है ये भी, हम आपको ये बाइक दे देंगे अप्रॉक्स 10,25,000 की, ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट इज हायाबुसा अगेन, मैंने एक पहले भी वीडियो में इस बाइक के बारे में बताया था कि ये बहुत ही स्पेशल मॉडल है हमारे पास हायाबुसा का, 1200 किलोमीटर ये बाइक ओनली चली हुई है, दैट्स इट विद सर्विस रिकॉर्ड, एंड आपको मैं ये चैलेंज के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इसके जो टायर्स हैं वो अभी तक
सात के ही टायर हैं, इन पे टायर पे आज भी 2012 की डेट डली हुई है। और स्टॉक बाइक है ये, जिस कस्टमर की ये बाइक थी उसने आज तक इस बाइक को सिर्फ 1200 किलोमीटर ही चलाया है। और इस बाइक का VIP रजिस्ट्रेशन है हमारा, फर्स्ट ऑनर बाइक है ये, दिल्ली का नंबर है। और इस बाइक का हमने आस्किंग प्राइस रखा हुआ है 10,50,000। इसके बाद भैया नेक्स्ट इस हमारे पास खड़ी है कावासाकी की Z900, आप ये देख रहे होंगे 2018 का ये मॉडल है हमारे पास। एंड बिल्कुल ऑलमोस्ट आप देखेंगे बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है ये हमारी। इसके अंदर आफ्टर मार्केट सिर्फ स्लाइडर लगे हुए हैं और एक बबल स्क्रीन लगी हुई है। और 2200 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड के साथ। और हमने इस बाइक का आस्किंग प्राइस रखा हुआ 7,50,000। और इसके बाद फिर अगर आ जाते हैं हम भैया, तो यामा की FZ1 है आपने, यस FZ1 बहुत ही रेयर बाइक है ये देखने को मिलती है। 2015 का मॉडल है ये बाइक, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है इस बाइक का भी। और इसके अंदर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, स्लाइडर लगे हुए हैं और बबल स्क्रीन लगी हुई है। 1000 cc का इंजन होता है इस बाइक का। और हमने इसका प्राइस रखा हुआ है 6,50,000। तो अगली दो जो इंट्रूडर है वो सुमित तो भैया इसके बारे में कुछ बताइए आप। तो ब्रदर ये 2012 का मॉडल है हमारा, ये भी दिल्ली रजिस्ट्रेशन बाइक है, सुजुकी M1800 मॉडल है ये, सिंगल ओनर बाइक नहीं है ये, सेकेंड ओनर बाइक है। एंड इस बाइक के अंदर आप देखेंगे एक बबल स्क्रीन लगी हुई है, कोबरा के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं और VIP रजिस्ट्रेशन है इस बाइक का भी। दोनों टायर इसके अभी तक बिल्कुल नए हैं, ये भी बाइक अभी जस्ट सर्विस होकर आई है। और हमने इसका प्राइस आस्किंग प्राइस रखा हुआ 9,50,000। सेम ये मॉडल है हमारे पे 1800 एक और जो आप देख रहे हैं, ये 2011 मॉडल है एंड ये चंडीगढ़ नंबर है ये बाइक हमारी। और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूँ कोबरा के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, ओरिजिनल लेग गार्ड लगे हुए हैं। और इस बाइक का इसमें कह रहे कि चंडीगढ़ नंबर, अगर कस्टमर को जैसे कोई आता है हमारी तरफ से और इसको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना, तो सब कुछ आप उसमें करके दे देते हैं? नहीं ब्रदर, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। आपको शायद आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कोई भी बाइक अगर बाहर के नंबर की है और आप उसको दिल्ली रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। दिल्ली की भी कोई भी बाइक अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं रजिस्टर्ड कराना चाहेंगे वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो इनके अगर कोई भी कस्टमर वगैरह आते हैं और इसमें जो बाइक जो ट्रांसफर की उसके पॉलिसी मतलब पेपर की जो पॉलिसी वगैरह वो सब कुछ आप करेंगे, वो सब हमारी गारंटी होती है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इतना सारा स्टॉक यहाँ पर है अवेलेबल भैया ने, सैम भैया ने जैसा कि आपको सारे रेट्स बताए हैं बाइक के, कुछ VIP नंबर्स के साथ भी है बाइक, कुछ चंडीगढ़ की भी बाइक है भैया के पास, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी कंडीशंस की बाइक और बहुत कम चली हुई बाइक्स हैं। कोई ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चली हूँ कि आपको लगे, एक बार शोरूम में ज़रूर विजिट करना मैं कहूँगा, जिसको भी बाइक लेनी है एक बार आके विजिट करो, अच्छी डील मिलेगी और बाइक की कंडीशन तो तुमने भी देखी, हमने दिखाई आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना और चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। तो बाय बाय, टेक केयर।